अक्सर लर्नर इन तीनों टॉपिक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू और बिसाइड्स का सही यूज क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। इन एडिशन टू, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम, इन तीनों का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इंग्लिश के अलावा हिंदी बोलता हूँ, यानी मैं इंग्लिश तो बोलता ही हूँ, इसके अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन एडिशन टू इंग्लिश या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश या बिसाइड्स इंग्लिश। इन एडिशन टू इंग्लिश आई स्पीक हिंदी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई स्पीक हिंदी, और इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं बिसाइड्स इंग्लिश आई स्पीक हिंदी। टीचिंग के अलावा मैं एक बैंक में काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कहा टीचिंग तो मैं करता ही हूँ, इसके अलावा मैं एक बैंक में भी काम करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन एडिशन टू टीचिंग आई वर्क इन अ बैंक। आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई वर्क इन अ बैंक। अगर आप चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं बिसाइड्स टीचिंग आई वर्क इन अ बैंक। यानी इन तीनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के सिवा मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बोला इंग्लिश तो मैं पढ़ाता ही हूँ, इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो सेंटेंस के लिए मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश यानी इंग्लिश के अलावा आई टीच मैथमेटिक्स। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं इन एडिशन टू इंग्लिश आई टीच मैथमेटिक्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों वर्ड्स बड़े शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो के अलावा या के अतिरिक्त, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन तीनों में से किसी टॉपिक का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इन सभी टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।